कहानी की शुरुआत में हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि एक ग्रुप के बारे में बता रहा होता है। रिपोर्टर कहता है कि जब से वो ग्रुप अमेजॉन के जंगलों में गया है तब से अभी तक वापस नहीं लौटा है। दरअसल वो ग्रुप अमेजॉन जंगल में कुछ आदिवासियों के डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए गया था, जिसमें कुल 4 लोग थे, जिसमें एलन नाम का आदमी यहाँ का डायरेक्टर था और उसकी गर्लफ्रेंड फी थी जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखती थी, और साथ ही 2 कैमरामैन थे जिनका नाम जैक और मार्क था। यहाँ रिपोर्टर सबको उनकी लास्ट क्लिप दिखाता है जिसमें ये चारों लोग उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी खुश होते हैं। अब यहाँ इनके ग्रुप को फ्लिप भी ज्वाइन करता है जो जंगल में इन लोगों को गाइड करने वाला था। इसके बाद ये सभी अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए निकल जाते हैं, पर 2 महीने बाद भी ये वापस नहीं लौटते, इसीलिए अब ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इनके लिए एक रेस्क्यू टीम भेजने वाला था ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो लोग अभी जिंदा है या नहीं। फिर अगले सीन में हम प्रोफेसर मोनरो को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होता है। दरअसल मोनरो ही इस पूरे रेस्क्यू टीम को लीड करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हम अमेजॉन जंगल में कुछ मिलिट्री वालों को देखते हैं जो अमेजॉन के एक लोकल कबीले वालों पर रेड करने वाले होते हैं। फिर ये लोग जैसे उन कबीले वालों पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कबीले वाले यहाँ से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान मिलिट्री वाले उनमें से एक लड़के को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ प्रोफेसर मोनरो मिलिट्री वालों से मिलता है और अब ये लोग साथ मिलकर इस मिशन पर काम करने का फैसला करते हैं। अब लेफ्टिनेंट प्रोफेसर को एक लड़के के पास ले जाता है जिसका नाम चाको होता है। चाको को इस जंगल के बारे में सब कुछ पता होता है, इसीलिए वो भी इस रेस्क्यू टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ चाको प्रोफेसर को उस कबीले वाले लड़के को दिखाता है, जिसके बाद सभी लोग चाको के साथ रेस्क्यू मिशन पर निकल जाते हैं। इनके साथ वो कबीले वाला लड़का भी होता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक नदी दिखाई देती है। नदी के किनारे इन्हें कुछ जलाई हुई लकड़ी और कछुए की खाल मिलती है, जिसके बाद ये फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इसी बीच चाको का पैर किसी चीज से टकरा जाता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसकी नजर वहीं ढकी हुई कंकाल पर पड़ती है। उस कंकाल को देखकर चाको समझ जाता है कि ये कंकाल उन ग्रुप में से किसी एक का ही है। अब कुछ देर बाद शाम हो जाती है, जिसके बाद ये लोग यहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह इन्हें एक कबीले वाला दिखाई देता है जो अपने साथ एक लड़की को नदी के किनारे ले जा रहा होता है, और तभी वो कबीले वाला उस लेडी को बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। फिर वो उस लेडी को मार कर नदी के बहाव में फेंक देता है। अब जैसे ही वो आदमी वहाँ से आ रहा होता है तभी चाको वहाँ पर गोली फायरिंग करने लगता है, जिससे डर कर वो आदमी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। अब ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं और फाइनली उसके कबीले तक पहुँच जाते हैं। अब प्रोफेसर का असिस्टेंट मिगवेल उन कबीले वालों से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो लोग उन्हें चोट पहुँचाने नहीं आए हैं, लेकिन वो कबीले वाले उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो मिगवेल को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब वो कबीले वाले उन्हें अपने गांव की तरफ चलने का इशारा करते हैं, जिसके बाद ये लोग उन कबीले वालों के गांव चले जाते हैं। इसके बाद जब ये वहां जाते हैं तो इन्हें देखते ही उस गांव की औरतें काफी गुस्सा हो जाती हैं। अब वहां पर उस कबीले का लीडर आता है जो इन्हें एक जगह दिखाता है जिसमें बहुत से गाँव वाले जलकर मारे गए थे, साथ ही वहाँ पर 2 डेड बॉडी भी होती है जिनको पिछले दिन मिलिट्री वालों ने शूट किया था। इसके बाद मिगवेल उसे एक चाकू दिखाता है और उसे चलाना भी सिखाता है। फिर शाम को कबीले वाले इन्हें डिनर कराते हैं। अब अगले दिन कबीले का लीडर इन्हें आगे का रास्ता दिखाता है और वहां से वापस लौट जाता है, क्योंकि आगे यानो मामो और सेटामारी 2 अलग अलग ग्रुप रहते हैं। अब आगे जाने पर इन्हें सेटामारी ग्रुप के कुछ लोग दिखाई देते हैं जो पेड़ पर रहने वाले यानो मामो कबीले के लोगों का शिकार करने के लिए आए होते हैं। वो पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा धुआं कर देते हैं जिसकी वजह से यानो मामो के ग्रुप की एक औरत नीचे गिर जाती है। फिर ये लोग उसे लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग उनका पीछा करते करते यानो मामो के एक छोटे से ग्रुप के पास पहुंचते हैं, जिनको सेतामारी ग्रुप वाले लोग बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये देखकर प्रोफेसर और चाको उन्हें वहां से भगा देते हैं, जिससे यानो मामो का छोटा सा ग्रुप बच जाता है। फिर वो ग्रुप इन्हें अपने यहाँ चलने के लिए इन्वाइट करता है, पर ये लोग उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उनके साथ एलन की टीम ने बहुत बुरा बर्ताव किया था। खैर, अब इस ग्रुप का लीडर प्रोफेसर को एक टूटी हुई घड़ी देता है जो एलन के ग्रुप में से ही किसी एक की थी, और वो कबीले वाला इन्हें और कुछ नहीं बताता, और ये लोग भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकते थे, नहीं तो वो कबीले वाले गुस्सा हो जाएंगे और इन्हें यहीं खत्म कर देंगे। ये देखकर चाको और प्रोफेसर अपने असिस्टेंट को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब चाको को लगता है कि उनका ये मिशन फेल होने वाला है। तभी प्रोफेसर को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार कर नदी में जाकर नहाने लगता है। अब उसे देखकर वहाँ पर यानो मामो कबीले की कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और वो उसके साथ
साथ एंजॉय करने लगती हैं। अब इसके बाद उन लड़कियों का ग्रुप प्रोफेसर को एक मंदिर की तरफ ले जाता है, जहां पहुंचने के बाद प्रोफेसर एलन के ग्रुप के सभी साथियों के कंकाल को देखता है। ये कंकाल बहुत बुरी तरह से सड़ चुके थे। वहां पर उनका कैमरा भी होता है, जिसके रील को कबीले वालों ने चुरा लिया होता है। लेकिन प्रोफेसर अब उस रील को उन कबीले वालों से नहीं मांग सकता था, क्योंकि वो लोग उसे देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रोफेसर अब अपना माइंड लगाता है, जिसके बाद वो अपने टेप रिकॉर्डर में एक रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। अब टेप रिकॉर्डर की आवाज सुनकर सभी कबीले वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रोफेसर स्पिरिट से बातें कर रहा है। अब इसके बाद वो कबीले वाले इन्हें डिनर पर इनवाइट करते हैं, और फिर कबीले वाले उस टेप रिकॉर्डर के बदले में एलन के कैमरे की रील इन्हें दे देते हैं, जिसे लेकर प्रोफेसर वापस से न्यूयॉर्क सिटी आ जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद ब्रॉडकास्ट वाले प्रोफेसर को इनवाइट करते हैं, ताकि वो अपने चैनल पर एलन की शूट की गई डॉक्यूमेंट्री को पॉडकास्ट कर सकें। पर प्रोफेसर डिसीजन लेने से पहले डॉक्यूमेंट्री को खुद ही चेक करना चाहता था। इसी बीच एक लेडी प्रोफेसर को एलन द्वारा शूट की गई दूसरी डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, जिसमें कुछ सोल्जर एक जगह पर बहुत से लोगों को मार रहे होते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अब वो लेडी प्रोफेसर से कहती है कि आप हमें वो फुटेज दे दीजिए, जिसे हम खुद ही रिकवर कर लेंगे। इस पर प्रोफेसर उन्हें रील दे देता है। अब अगले दिन एलन की सभी रील रिकवर हो जाती है, पर उनमें से दो रील रिकवर नहीं हो रही थी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद उन दोनों रील में से कुछ पार्ट रिकवर हो जाते हैं। अब ये लोग डॉक्यूमेंट्री की पहली रील को देखना शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एलन की टीम अमेजोन के जंगल में पहुंच गई है। अब वो लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर कुछ देर में वो लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब इन सभी को काफी भूख लग चुकी होती है, इसीलिए ये खाने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं। इसमें दो लोग किसी तरह करके नदी से एक कछुआ पकड़ते हैं और फिर उसे पकाने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग उसका मीट खाते हैं और फिर उसके बाद वहीं रेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन एलन की टीम आगे बढ़ना शुरू करती है, जिसमें फिलिप इन्हें आगे का रास्ता बता रहा होता है। आगे जाने पर ये लोग एक जगह रुककर रेस्ट करते हैं, जहां पर फी सबके लिए चाय बनाती है। इसी बीच फिलिप के पैर में एक सांप काट लेता है, जिसे बचाने के लिए जैक उसका वो पैर ही काट देता है, पर इसकी वजह से फिलिप को काफी दर्द होता है और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मारा जाता है। अब अगले दिन जब ये लोग नदी को पार कर रहे होते हैं, तभी एक क्रोकोडाइल और एनाकोंडा इनकी तरफ तेजी से आने लगता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और किसी तरह उस नदी से बाहर निकलकर बच जाते हैं। फिर आगे जाने पर इन्हें यकोमा कबीले का एक ग्रुप दिखाई देता है, जो जंगल में भोजन की तलाश में आया हुआ था। ये देखकर जैक उन कबीले के ग्रुप में से एक का पैर जख्मी कर देता है, क्योंकि ये लोग उनका पीछा करते हुए उनके गांव में पहुंचना चाहते थे। ये सीन देखकर इन लोगों को भी थोड़ा बुरा लगता है और प्रोफेसर को भी समझ आने लगता है कि इसी वजह से वो कबीले वाले इन पर गुस्सा थे। इसके बाद एलन का ग्रुप उस घायल आदमी का पीछा करते करते उसके गांव में पहुंच जाता है। फिर एलन वहां कैमरे में फुटेज लेने लगता है। वहीं जैक गन फायर करके सभी कबीले वालों को डराने लगता है। फिर ये लोग उन कबीले वालों को एक झोपड़ी के अंदर इकट्ठा करने लगते हैं। अब जैसे ही सभी कबीले वाले झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं, तब जैक और मार्क उसमें चारों तरफ से आग लगा देते हैं। दरअसल एलन इसे शूट करके ऐसा एडिट करना चाहता था कि जिससे सभी लोगों को लगे कि ये आग यानो मामो के ग्रुप के लोगों ने लगाया है। इसके बाद एलन सभी के सामने ही फी के साथ सेक्स करने लगता है। अब ये सब देखकर एग्जीक्यूटिव इस डॉक्यूमेंट्री को टीवी पर लाइव स्ट्रीम करना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लोग इस डॉक्यूमेंट्री को काफी पसंद करेंगे। इस पर प्रोफेसर उसे ऐसा करने से मना करता है। अगले फुटेज में कबीले की एक लेडी प्रेग्नेंट लेडी को मार रही होती है, क्योंकि उसने किसी गैर मर्द के साथ सेक्स कर लिया था, जो कि इस कबीले ग्रुप के रूल के खिलाफ है। इसीलिए वो उस लेडी के साथ साथ उसके बच्चे को भी मार कर नदी के किनारे फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव को ये फुटेज टीवी पर दिखाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि इसमें काफी ऑफेंसिव चीजें थी। लेकिन एग्जीक्यूटिव उसकी बात नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से प्रोफेसर को ना चाहते हुए भी इस डॉक्यूमेंट्री की पूरी फुटेज दिखानी पड़ती है, जिसमें हम देखते हैं कि एलन का ग्रुप उन कबीले वालों के पास जाता है, जहां उन्हें कबीले की एक लड़की दिखाई देती है। फिर एलन और मार्क उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। इस समय जैक कैमरे में ये सब सीन रिकॉर्ड कर रहा होता है और मार्क एलन के साथ मिलकर उस लेडी के साथ जबरदस्ती रेप कर रहा था। फिर ये तीनों एक के बाद एक उस लेडी का रेप करने लगते हैं। ये सब देखकर फी इन पर काफी गुस्सा होती है। इधर ये सब नजारा देखकर एग्जीक्यूटिव काफी हैरान होता है, क्योंकि उन्हें एलन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इस हद तक जा सकते हैं। अब एलन अपनी टीम के साथ नदी के किनारे पहुंचता है, जहां उन्हें उसी लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसके साथ इन्होंने जबरदस्ती रेप किया था, और उस लेडी को उन कबीले वालों ने बुरी तरह मार दिया होता है।
क्योंकि उन कबीले ग्रुप के किसी भी लेडी के साथ अगर कोई सेक्स करता है तो वो उसे जान से मार देते हैं। अब ये लोग जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तभी यानो मामो कबीले वाले इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो ग्रुप इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। एलन और जैक भी इन कबीले वालों पर फायरिंग करने लगते हैं जबकि मार्क कैमरे को संभाल रहा होता है। इसी बीच कबीले वाले जैक को भाला मार देते हैं पर इस समय एलन उसकी हेल्प करने के बजाय उसे शूट कर देता है ताकि कबीले वाले उसे लेकर चले जाएं और वो उनकी सारी हरकतें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ले। अब कबीले वाले उसकी बॉडी को लेकर जाने लगते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपस में बांट कर खाने लगते हैं। वहीं मार्क और एलन अभी भी वापस लौट कर नहीं जाते क्योंकि वो लोग ये सारी चीजें शूट करने में लगे हुए थे। अब नेक्स्ट रील में दिखाया जाता है कि एलन, फी और मार्क वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी कबीले वाले फी को पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ एलन फी को बचाने के बजाय मार्क से कैमरे में शूट करने को बोलता है। इसके बाद कबीले वाले फी का गैंग रेप करके उसे जान से मार देते हैं। फिर वो लोग किसी तरह एलन और मार्क को भी खोज लेते हैं और फाइनली वो उन दोनों को भी मार डालते हैं। अब ये सीन देखने के बाद सभी एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर की बात मान जाते हैं जिसके बाद ये लोग उन सभी रील को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। अब इसके बाद प्रोफेसर मोनरो वहाँ से बाहर आता है और कहता है कि आखिर असली आदमखोर कौन है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।